are well and enjoying your studies. So, today we are going to learn how to speak and write few lines on my mother. So, our today's topic is my mother. Do you know, mother is very important person in our life. She does so many things in our life. वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें करती हैं एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट हर, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज माय मदर. नाउ लुक एट द बोर्ड. माय मदर्स नेम इज मिसेस उर्मिल. यहां पर मैंने उर्मिल लिखा है. यहाँ पर आपको अपनी मम्मा का नेम मेंशन करना है. ओके, यहाँ पर मैंने ब्लैंक भी शो किया था सो दैट यहाँ पर आप अपनी मम्मा का नाम मेंशन कर सके. सो फर्स्ट लाइन में आप अपनी मम्मा का नेम मेंशन करेंगे कि माय मदर्स नेम इज, कि मेरी मम्मी का नाम है मिसेस उर्मिल. तो मिसेस, आप हमेशा जब भी अपनी मम्मी का नाम मेंशन करते हैं, कहीं पर भी स्पीक करते हैं, राइट करते हैं, तो ऑलवेज आपको मिसेस जो है नेम से पहले यूज करना है. मिसेस वर्ड हम यूज करेंगे मम्मा के नेम से पहले. ये रिस्पेक्ट को शो करता है कि हम अपनी मम्मा का नेम जो है वो रिस्पेक्टफुली ले रहे हैं. ओके, सो सेकेंड लाइन इज शी इज वेरी ब्यूटिफुल. बी ई ए U T I F U L, beautiful. Beautiful means सुंदर. Beautiful means सुंदर. So she is very beautiful. वो बहुत सुंदर है. सबकी मम्मा सुंदर होती है? Yes. Mama is always beautiful. Mama हमेशा सुंदर होती है. Yes. So she is very beautiful. वो बहुत सुंदर है. She loves me very much, M U C H, much. She loves me. वो मुझे प्यार करती है कितना? Very much, बहुत ज्यादा. सबकी मम्मा बहुत प्यार करती है ना? Yes. मेरी मम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती है. तो इसी तरह से आपकी मम्मी भी आपको बहुत प्यार करती होगी. तो सभी की मम्मी जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, और आपको भी अपनी मम्मी से उतना ही प्यार करना चाहिए. अपनी मम्मी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उनकी. ओके, शी इज वेरी काइंड. के आई एन डी, काइंड. काइंड मीन्स यस, दयालु. सो शी इज वेरी काइंड. वो बहुत काइंड है, वो बहुत दयालु है. यानी कि जब आपसे कभी भी कोई भी मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते रहते हैं बच्चे जब हम होते हैं, तो क्या है, तो बच्चों से जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हमारी मम्मा क्या है, बहुत जल्दी माफ कर देती है ना. यस, क्यों माफ कर देती है? बिकॉज शी इज वेरी काइंड. वो बहुत काइंड होती है, दयालु होती है. शी लाइक्स डिसिप्लिन वेरी मच. शी लाइक्स डी आई एस सी आई पी एल आई एन ई डिसिप्लिन. She likes discipline very much. उन्हें discipline बहुत ज्यादा पसंद है. Discipline क्या होता है? Discipline को हम हिंदी में कहते हैं अनुशासन. अब ये अनुशासन या discipline क्या होता है? If you are in discipline, it means you obey rules and behave well. अगर आप discipline में हैं, तो इसका मतलब आप सभी मम्मा जो भी आपको कहती है, आप सभी कहने जो है मम्मी के मानते हैं and बहुत ही अच्छे से behave करते हैं. उसको कहते हैं डिसिप्लिन में रहना. तो मम्मा ने आपको जो भी सिखाया, जो भी गुड मैनर्स सिखाए हैं, आप उसको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं हर किसी के साथ. ये नहीं कि सिर्फ मम्मी के साथ ही, इवन सभी के साथ जब आपका बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो इट मीन्स यू आर इन डिसिप्लिन. आप डिसिप्लिन में हैं. ओके, तो मम्मा को डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा लगता है, और डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली सभी को बहुत अच्छा लगता है. तो आपको भी हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए. She is very polite. P-O-L-I-T-E, polite. Polite means yes. बहुत ही मतलब नम्रता से, बहुत ही प्यार से जो है मम्मा हमारी हमसे बात करती है, तो वो बहुत ही
पोलाइट है. आई आर ई एस पी ई सी टी रिस्पेक्ट एच ई आर हर. आई रिस्पेक्ट हर, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ या मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ. कितनी? वेरी मच, बहुत ज्यादा. वेरी मच मीन्स बहुत ज्यादा. तो मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ. आई लव हर वेरी मच, और मैं उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ या बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. सो इस तरह से आप अपनी मदर के बारे में कुछ लाइंस जो है वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके, तो आपको अपनी मम्मा के बारे में कुछ लाइंस बोलनी या लिखनी आनी चाहिए. सो टुडे यू हैव टू जस्ट राइट दिस पैराग्राफ इन योर नोटबुक. एंड फर्स्ट यू हैव टू राइट, देन लर्न इट, एंड आफ्टर दैट जस्ट डू ओरल प्रैक्टिस ऑफ माय मदर. And you can do oral practice in front of the mirror. So, thanks for joining us. Bye-bye, students.